लो आ गई अम्मा जी। आपने बुलाया था? हाँ बिल्कुल बुलाया है। अपनी जो मनमानियां कर रही हो पशेमानी तो होगी हमें ना। मुझे ये बता बीबी रानी, ये किताबें किससे पूछ के तूने मंगाई है, किसकी इजाजत से? चची जान मैं घर पर रहकर ही पढ़ना चाहती हूँ। यही तो पूछ रही हूँ, किसकी इजाजत से मुझसे पूछा तूने? तालीम पर तो सबका हक होता है, इसका हुक्म तो मजहब भी देता है, और फिर किसी का नुकसान तो नहीं मगर फायदा बहुत होता है। मैं गांव में भी पढ़ाती थी बच्चों को, यहाँ भी तो पढ़ाती हूँ। अगर मेरी तालीम ज्यादा हो जाएगी तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ा सकूंगी ना। जुबान देखी इसकी कैंची की तरह चल रही है, जुबान बंद कर और किताबें सारी रद्दी में बेच चल। क्या हो गया आपको अम्मा? मेरे होते हुए आप किताबों की ऐसे बेहुर्मती नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ। अच्छी बात है अम्मा, मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाती हैं और साथ साथ मुझे भी। चौड़ा मौनी चाचा जान, मैं आपसे वादा करती हूँ मेरी पढ़ाई की वजह से घर के काम नहीं रुकेंगे। मैं अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करने के बाद ही किताब खोलूंगी। जाननी है, चंगी तरह जाननी है जितनी तू जिम्मेदार है। सब पता है मुझे, वेली चरपाइयां तोड़ती रहती है हर वक्त। अम्मा आप अदन जी को पढ़ाई करने से नहीं रोक सकते। मैं वो दुर्योधन पुत्र, फिर एक बात का वादा करना होगा, अपना जो अहद है ना वो तुमने पुत्र तोड़ना नहीं है, हैं? इसका मतलब आपने मुझे इजाजत दे दी है? बहुत अच्छे हैं चाचा जान, शुक्रिया। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आदन जी, अब आपने खूब जमकर पढ़ाई करनी है, आज से आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। कोई भी मसला हो उसको हल करना मेरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है? ठीक है चाचा जान, आप चाय पियेंगे? मैं आप सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तौबा तौबा, कैसी चलाक लड़की है अम्मा, कैसे सारे घर को अपना हिमायती बना लिए इसने। खुद तो तुम्हारा पढ़ाई में दिल लगता नहीं, कोई दूसरा पढ़ना चाह रहा है तो उसे सुकून से पढ़ने। और तुम क्या बदतमीजी है, भाभी यहाँ साथ खड़ी हैं और तुम टांगे फैलाए यहाँ बैठे हुए। चलो उठो आप, आओ। ओ मासी, खैर है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मैं समझा दूंगा। शुक्रिया बाजार।